So meet my new friend. This is an amazing pet. Check करें आप. तो आज हम जाएंगे बालाकोट से चिलास की तरफ. This is day 6 of the tour. और चिलास से फिर आगे हम जाएंगे स्कर्दू की तरफ. फिर वहाँ पे देखते हैं क्या सीन होता है. Till then, आप इनके मदद लें. रास्ते कहने को तो कभी छोटे और कभी बहुत ही लंबे हो जाते हैं, कभी चलते ही जाते हैं और कभी खामोश हो जाते हैं. हर रास्ता अपनी ही एक कहानी सुनाता है, कभी गौर करो तो बहुत कुछ सिखाता है. ये रास्ता लंबा है जरूर, लेकिन बहुत कुछ बताता है. रास्ते माने तो एक किताब है. कुछ तुम कहो कुछ हम सुने, कुछ तुम कहो कुछ हम बताएं, और इसी तरह ये सफर कट जाए. यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से, कि मंजिल आएगी नजर साथ चलने से. कभी सोचा है हर सफर करने वाला इंसान अपने आप से कैसे मिलता है? वो कहते हैं ना, सफर में रास्ते लंबे हों तो मजा ही अलग है. सही कहते हैं. रास्ते अपनी जुबानी बहुत कुछ बोलते हैं. इनमें छुपी खामोशी और इनमें छुपा सुकून हर किसी को नहीं मिलता, सिर्फ उनको सुनाई देता है जो इन्हें सुनना और पढ़ना चाहते हैं. हर रास्ता अपनी ही एक दास्तां बता जाता है, कुछ सिखा जाता है और कुछ समझा जाता है. कभी देखो तो इनसे हसीन दुनिया में और कुछ नहीं रखा. कभी गुम होके देखो, ऐसा सुकून कहीं नहीं रखा. इन रास्तों की भी अपनी एक अलग ही जुबान है. गौर करो तो इंसान को ही बदल जाती है. क्या आप कभी ऐसे रास्तों पे चले हैं जिन पे चल के आप खुद से मिले हों? अपने ख्यालात का इजहार कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें, और अगर आपको ये रास्ते पसंद आए तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें. चल पड़े हैं हम अपनी अगली मंजिल की जानिब. टिल देन, दिस इज़ राफील शमीम साइनिंग आउट. I'm just saying.
चल 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 चल